सो कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में आपका स्वागत है और आज का वीडियो है थोड़ा सा अलग अंदाज में। सो वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप अभी तक अपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो जल्दी से प्रेस करें। बॉलीवुड वाले चाहे फिल्म का नाम कुछ भी रख ले, लेकिन हम लोग उस फिल्म का नाम चेंज कर देते हैं। अब शाहरुख खान की आने वाली फिल्म को देख लीजिए, फिल्म का नाम है पठान, लेकिन पब्लिक ने इसके नाम के आगे एक सब जोड़ दिया और हो गया बॉयकॉट पठान। अभी बॉलीवुड वाले सोच रहे होंगे कि साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। किंग खान इस बार की लड़ाई को जीत पाएंगे क्योंकि सोशल मीडिया पर हो रहे बॉयकॉट को अनदेखा नहीं किया जा सकता। इस बॉयकॉट ट्रेन में आमिर खान, रणवीर सिंह, अक्षय कुमार जैसे दिग्गज कलाकार भी हार गए। वैसे पठान मूवी स्पेशल क्यों है, क्योंकि यह एक ऐसे अभिनेता का फिल्म है जिसे हम किंग खान कहते हैं और जो कहते हैं और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। माना कि शाहरुख खान और राहुल गांधी एक ही कॉलेज में पढ़ाई किए हैं, लेकिन हमारे किंग खान इतने भी पप्पू नहीं है। माना कि एम्पायर मैगजीन में शाहरुख खान को टॉप 50 सेलिब्रिटी लिस्ट में शामिल किया गया है वर्ल्ड वाइड, लेकिन हंसी इस बात से आ रही है कि एम्पायर मैगजीन वर्ल्ड के टॉप 100 मैगजीन में भी शामिल नहीं होती है। आइए आज के वीडियो में जानते हैं द राइज एंड फॉल ऑफ शाहरुख खान। सो राइज को मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूँ। सीरियल से लेके किंग खान बनने तक का सफर ही राइज है। अपने पहले ही फिल्म से पहचान बनाना ही राइज है। फिल्म स्टूडियो से लेकर नासा में शूटिंग करना ही राइज है। फिल्म बैकग्राउंड नहीं होने के बावजूद भी 107 फिल्मों में काम करना ही राइज है। फोर्ब्स मैगजीन के हाईएस्ट पेड एक्टर लिस्ट में शामिल होना ही राइज है। राइज के वैसे तो कई और एग्जाम्पल भी हैं, लेकिन अभी बात करनी है फॉल की। एक अभिनेता को सुपरस्टार बनाने में पब्लिक का हाथ होता है और उसे पब्लिक जमीन पे भी गिरा सकती है। सो पहला कारण आता है इंटॉलरेंस स्पीच। सबसे पहले आप ये स्पीच सुनिए। मुझे कहीं ना कहीं पर ये भी लगता है कि आवाज ज्यादा होने के बावजूद सिर्फ आवाज ही नहीं है, कहीं पर नेगेटिव आवाज भी ज्यादा हो गई है, थोड़ी सी इंटॉलरेंस जरूर है। 2015 में जब ये स्पीच शाहरुख खान ने बोला, उसके बाद से लेकर आज तक जब उनकी कोई नई फिल्म आती है तो इस स्पीच का जिक्र जरूर होता है। इस स्पीच को पब्लिक ने काफी क्रिटिसाइज किया और जो लोग कभी शाहरुख खान के फैन हुआ करते थे वह आज उसे नफरत करते हैं या फिर थोड़ी बहुत हेट तो पैदा हो ही गई है। शायद यह स्पीच शाहरुख खान ने इंडियन सिटीजन के तौर पर दिया हो, लेकिन वह पब्लिक फिगर है और बहुत सारे लोग उसके बाद से इन्फ्लुएंस होते हैं। सो बढ़ते हैं दूसरे कारण पे, वो है पाकिस्तान कनेक्शन। किसी भी इंसान का इमेज खराब करना है तो उसके साथ पाकिस्तान का रिश्ता जोड़ दो, ऑटोमेटिकली उसकी इमेज खराब हो जाएगी। 2017 में अचानक से न्यूज वायरल हुआ जहां पे क्लेम किया गया शाहरुख खान ने 45 करोड़ रुपए पाकिस्तान को डोनेट किया है। इस खबर को लोगों ने बिना वेरीफाई किए किंग खान को काफी क्रिटिसाइज किया, लेकिन जब तक इसे वेरीफाई किया गया काफी देर हो चुकी थी और लोगों ने शाहरुख खान को एक एंटी नेशनल हीरो मान लिया था। लोग आज भी इस बात को मानते हैं कि शाहरुख खान का रिश्ता पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छा है। तीसरा कारण है आर्यन खान की गिरफ्तारी। वो शाहरुख खान के लिए एक सबसे खराब दौर रहा जब उसके बेटे आर्यन खान को एनसीबी की टीम ने ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किया। आपको तो पता ही होगा यह कब हुआ, जब सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच नहीं रहे। लोगों में एक अजीब नफरत पैदा हुई कि हम इनके फिल्मों को हिट कराते हैं और यह लोग हमारे पैसों का गलत इस्तेमाल करते हैं। नंबर चार पे इम्पॉर्टेंट डाउनफॉल का रीजन है, वो है आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट टॉपिक। के पहले बताए गए जितने भी फॉल होने के रीजन है उसे हम साइड में रख सकते हैं, लेकिन इस पॉइंट को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। मैंने जितना आज की फिल्मों को देखकर जाना है वह यह कि जब तक लोग मूवी से खुद को रिलेट नहीं कर पाएंगे उसे पसंद नहीं करेंगे। लेकिन आप शाहरुख खान की लास्ट 4-5 फिल्मों को देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि उनकी फिल्मों में पब्लिक अपने आप को रिलेट नहीं कर पाती है और नतीजा फ्लॉप होता है। कभी कभी मैं तो फिल्मों को देखकर सोचता हूँ क्या बवासीर बना दिया। सो ये कुछ पॉइंट थे जिसे मैं शाहरुख खान के फॉल का रीजन मानता हूँ। और इसके अलावा और आप कुछ ऐड करना चाहे तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब एक फाइनल मैसेज है शाहरुख खान के लिए। शाहरुख सर, माना कि आप किंग खान है, बादशाह है, लड़कियों के लिए चार्मिंग बॉयज है, लेकिन यह तो सिर्फ आप सोचते हैं, पर हमारे नजरों में तो कंटेंट ही किंग है। कहां आप पठान, जवान फिल्म एक्शन कर रहे हैं, कमर लचक गई तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, हॉस्पिटल का लंबा चौड़ा बिल भी आ जाएगा और आपकी फिल्में तो चल नहीं रही है तो आपको खर्चों को भी मैनेज करना होगा। कहां आप अपनी आधी उम्र की लड़कियों के साथ रोमांस कर रहे हैं। माना कि आप रोमांटिक हीरो हैं, लेकिन रोमांस करने की उम्र आपकी भी खत्म हो गई है। यह सभी चीजें कम उम्र वाले एक्टर पे छोड़ दीजिए,
अभी यह सब आपके ऊपर शोभा नहीं देती है। इन सभी चीजों के अलावा भी फिल्म बन सकती है और उससे पैसे भी कमाए जा सकते हैं। आपके टॉम बनने के चक्कर में पब्लिक भी जेली बनकर आपके पीछे पड़ी हुई है। खुद के नाम के आगे से किंग हटाकर आप अपने कंटेंट को किंग बनाइए। बाकी ऑल द बेस्ट आपकी आने वाली फिल्मों के लिए। तो चलिए इस पॉजिटिव मैसेज के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। और हाँ, आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से इसे सब्सक्राइब करिए।